नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। एलएसी पर भारत चीन के बीच नहीं कम हो रहा तनाव, कोर कमांडर स्तर की मैराथन बातचीत से भी नहीं निकला कोई हल, चीन के अड़ियल रवैये के चलते नहीं बनी बात। भारत के सभी हाईवे प्रोजेक्ट में चीनी कंपनियों पर लगेगा बैन, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान, साझा प्रोजेक्ट में भी चीनी कंपनी की एंट्री नहीं। 59 चीनी ऐप पर बैन लगाने के बाद बेचैन हुआ चीन, ग्लोबल टाइम्स ने बताया भारत का राष्ट्रवाद, चीन को सबक सिखाने के लिए सरकार और कंपनियों पर लगा सकती है बैन। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों का हमला, एक जवान शहीद, एक नागरिक की भी मौत, घाटी में इन दिनों सुरक्षा बल चला रहे आतंकी ऑपरेशन ऑल आउट। सोपोर में आतंकी हमले के दौरान सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीर, सोपोर में आतंकी हमले में फंसा 3 साल का मासूम, जान पर खेल कर जवानों ने किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में गुरुवार को होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार, 2 दर्जन से अधिक चेहरे को मिल सकती है जगह, मंत्री बनने की रेस में पिछले कई बड़े चेहरे। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीएम शिवराज का बड़ा बयान, कहा मंथन से तो अमृत निकलता है, विष तो शिव पी जाते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट के विस्तार से पहले भोपाल पहुंचे मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, कहा पार्टी में कोई असंतुष्ट नहीं, सबको किया जाएगा एडजस्ट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ली मध्य प्रदेश की राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल लालजी टंडन के अस्वस्थ होने पर मध्य प्रदेश की मिली है अतिरिक्त जिम्मेदारी। देश में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड 500 से अधिक लोगों की मौत, 6 लाख के करीब पहुंचा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ किल कोरोना अभियान, भोपाल में सीएम शिवराज ने किया आगाज, लोगों से की अपील, डोर टू सर्वे के दौरान टीम का करे सहयोग। दिल्ली में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, स्थिति में हो रहा है सुधार, टेस्ट के बाद पॉजिटिव मरीजों की दर में आई गिरावट। कोरोना से जूझ रहे मुंबई के कंटेनमेंट में लगाई गई धारा 144, संक्रमण को फैलने से रोकने की कवायद, मीरा भाईंदर इलाके में 10 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन। कोरोना की दवा पर बाबा रामदेव का बयान, आयुष मंत्रालय को सौंपी थी पूरी रिपोर्ट, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मिली मंजूरी, रामदेव का दावा कोरोनिल किट पर कोई रोक नहीं। कोरोना के चलते इस बार नहीं स्थापित होंगे लालबाग के राजा, गणेश उत्सव के दिन 11 दिन चलेगा आरोग्य उत्सव, प्लाज्मा डोनेशन के लिए चलेगा कैंप। कोरोना संकट के बीच शुरू हुई चार धाम यात्रा, केवल उत्तराखंड के लोगों को ही यात्रा की अनुमति, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का करना होगा पालन। तमिलनाडु में पावर प्लांट में बॉयलर फटा, अब तक 6 की मौत, 16 से अधिक घायल। असम में बाढ़ से 15 लाख से अधिक प्रभावित, बिहार भी जूझ रहा है बाढ़ से, कई नदियां उफान पर, दिल्ली वालों को अब भी है झमाझम बारिश का इंतजार। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार शेखर सुमन से नाखुश, सुशांत की आत्महत्या को लेकर शेखर पूछ रहे हैं कई सवाल, सुशांत के परिवार ने कहा कि शेखर राजनीति के लिए कर रहे हैं ये सब। सुशांत सिंह की विसरा रिपोर्ट आई सामने, सुशांत के शरीर में नहीं पाया गया किसी भी तरह का संदिग्ध रसायन या जहर, ऐसे में यह बात पुख्ता होती है कि सुशांत ने की थी आत्महत्या। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर, और इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।